जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ी अपनी प्रिय बांसुरी? दरअसल दोस्तों, भगवान कृष्ण को अपने बाल रूप से ही बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। भगवान शिव ने श्री कृष्ण को बांसुरी भेंट में दी थी, लेकिन आखिर उन्होंने वह क्यों तोड़कर फेंक दी, आइए आपको बताते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी बहुत प्रिय है। भगवान शिव ने श्री कृष्ण के जन्म के समय उन्हें बांसुरी उपहार में दी थी। तभी से कान्हा बांसुरी को अपने पास रखते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी? चलिए हम आपको बताते हैं। कंस वध के बाद श्री कृष्ण द्वारका वापस चले गए थे और वहीं पर बस गए थे। उन्होंने रुक्मणी से शादी भी कर ली। रुक्मणी ने अपने पत्नी धर्म को बखूबी निभाया, लेकिन उनके मन में हमेशा राधा का ही वास रहा। जिंदगी के आखिरी पलों में अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर राधा और कृष्ण का दोबारा मिलन हुआ। आखिरी मिलन पर श्री कृष्ण ने राधा से कुछ मांगने के लिए कहा। तब राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने की इच्छा जताई। इसके बाद श्री कृष्ण की बांसुरी की सुरीली धुन सुनते सुनते ही राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। राधा के आध्यात्मिक रूप और कृष्ण में विलीन होने तक वह बांसुरी बजाते रहे। भगवान राधा श्री कृष्ण का प्रेम अमर है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण राधा का वियोग सह ना पाए और उन्होंने प्रेम के प्रतीक बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया था। श्री कृष्ण को बांसुरी क्यों बहुत प्रिय थी? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान शिवजी बालकृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दधीची की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब भगवान शिवजी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बांसुरी दी थी। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की बांसुरी खुशी और आकर्षण आदि का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही यह सदैव प्रेम व शांति का ही संदेश लोगों तक देती है। दोस्तों, आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।